सब्सक्राइब कीजिए नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टच सेंसिंग सर्किट। तो इसका सर्किट डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। इसमें हम दो BJT ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, दोनों BC547 नंबर के हैं। एक रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं 220 ओम का और एक रेजिस्टेंस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं 100 किलो ओम का। इसको हम 6 वोल्ट या 9 वोल्ट से सप्लाई दे रहे हैं और एक हम LED यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में चाहें तो हम यहाँ पे बजर भी लगा सकते हैं जो कि हमें टच को सेंस करके हमें रेस्पॉन्स देगा। तो इस सर्किट को देखिए मैंने कैसे बनाया है, मैं सर्किट पे जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। मैं आपको कनेक्शंस दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये पहला ट्रांजिस्टर है मेरा, इसमें जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है ये कलेक्टर है, ये राइट वाला पोर्शन जो है वो एमिटर का है। जबकि मैं इसको जिसकी फेस है उसको अपने सामने करके पकड़ता हूँ तो इसको मुझे इस तरीके से कनेक्ट करना है कि मेरा जो ये ट्रांजिस्टर है इसका जो एमिटर है यानी कि राइट वाला पोर्शन जो है वो कनेक्ट हो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पोर्शन के साथ, और जो दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पोर्शन है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। इस वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाला ट्रांजिस्टर है इसके साथ सीरीज में लगाना है 220 ओम का रेजिस्टेंस जो कि LED के साथ LED के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रखा है, और LED का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने एक बजर लगा रखा है जो कि इस LED के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। जो मेरा पहला ट्रांजिस्टर था ये वाला, इस ट्रांजिस्टर में जो इसका बेस है एक सेंसिंग वायर मैंने उससे कनेक्ट कर दिया है जो कि टच को सेंस करेगा, और दूसरा सेंसिंग वायर जो है मैंने उसके कलेक्टर से अटैच किया हुआ है। इन दोनों वायर्स को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एज अ सेंसिंग वायर्स, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है जो कि इस ट्रांजिस्टर में सप्लाई दे रहा है जो कि कलेक्टर पिन के साथ अटैच है। ये 100 किलो ओम का ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। तो इसको मैंने एक तरफ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है और दूसरी तरफ पहले वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से इसको मैंने अटैच किया हुआ है। तो इन दोनों सेंसिंग वायर्स को जैसे ही मैं टच करता हूँ तो यहाँ पे LED ग्लो हो जाती है, तो ये मेरे टच को सेंस कर रहा है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि बजर भी बजे तो बजर को मुझे इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। मैंने कनेक्शन निकाल दी थी इसकी, मैं आपको बजर का कनेक्शन भी करके दिखाता हूँ साथ में। तो हमें करना क्या होगा, जो LED है उसके साथ एग्जैक्टली इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो एक टर्मिनल तो इसका मैं पॉजिटिव एंड में बैटरी के कनेक्ट कर दूंगा और जो दूसरा एंड है वो LED के साथ नेगेटिव वाले पोर्शन में के साथ मैं अटैच कर दूंगा। तो इसको मैंने देखिए कनेक्ट कर दिया है। अब आप अगर इसको टच करेंगे तो ये बीप करेगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे टच को सेंस कर रहा है। तो इस तरीके से हम बहुत ही थोड़े से पैसे खर्च करके एक टच सेंसिंग सर्किट बना सकते हैं, और इसको हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में अपने घरों में या कहीं दूसरी जगह पे जहाँ पे हमें टच सेंसिंग सर्किट की ज़रूरत है वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं जिनमें इस तरह के बहुत सारे सर्किट्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स
मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स में और बाकी जगह पे उनको यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को इसी तरीके से शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।